चलिए दोस्त, आज एक हम आपको कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी का जो रहस्य है, एक राजा था और उसके एक बेटे थे। तो उस बेटे को पहले आप जानते हैं गुरुकुल चलता था। उस गुरुकुल में अपने बेटे को दाखिला करवाया। अब दाखिला हो जाने के बाद उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है। उस शिक्षा को पूरी करने के बाद ये जो है राजा जाते हैं अपने पुत्र को लाने। तो पुत्र को लाने के बाद वो जो है वहाँ पहुँचते हैं गुरुजन के पास। तो गुरुजी ने राजा के सामने ही उसके ही पुत्र को पहले खूब पीटा। इतना पीटा उसकी हालत खराब हो गई। अब सोचिए, आप समझ रहे होंगे कि जब ये कोई गलती नहीं किया उसका पुत्र और गुरुजी ने खूब मारा। तो राजा ने पूछा गुरुजी से कि बताइए कि आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा। तो गुरुजी ने ये शिक्षा दी राजा को कि अगर इसके यहाँ अगर मैं ना मारूं तो ये दूसरों को मारने से पहले ये सोचेगा, क्योंकि इसमें दुख होता है। तो यानी कि उसकी अंतिम परीक्षा जो था राजा का पुत्र का, वही पिटाना था, ताकि हर बार जो है राजा को जो पुत्र होगा उसे याद रहे कि पिटने के बाद भी दुख और दर्द होता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमें कि किसी भी काम को करने से पहले एक बार सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। और ताकि राजा जो है अब हर बार किसी सोचे को पनिशमेंट देगा, उसके पहले वो बहुत ही बारीकी से सोचेगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही कहानी के लिए फिर से बने रहें। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।